मनो सलवा जन्नत का खाना आता था पता है मनो सलवा जो आता था वो पकाना नहीं पड़ता था इब्ने कसीर जो कुरान की तफसीर के बड़े स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि खाना रेडीमेड आता था और बर्तन धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी खा लिया और रिश्ते उठा के लेकर के शाम को दूसरा फ्रेश खाना ऐसा नहीं कि आज का खाना फ्रिज में रख दिया और मनो सलवा का कल है एक दिन का है दो दिन का है जी नहीं एकदम हर टाइम पे इनके लिए खाना फ्रेश आता था और जब ये धूप में जाते थे ना तो इनके सर पे बादल आ जाता था छतरी की जरूरत नहीं पड़ती थी इनको इनके सर पे बादल आ जाता था और पत्थर में से इनके लिए पानी निकाल दिया अल्लाह ने इतनी सारी लग्जरी इतनी सारी लग्जरी मिल गई कि ये अल्लाह को भूल गए अनग्रेटफुलनेस इन्होंने कहा कि अल्लाह क्या रोज मनो सलवा मनो सलवा कांदा खाना है ककड़ी खानी है कचुम्बर खाना है ये सब तो अल्लाह तला ने उनको शहर से भगा दिया लग्जरी कभी कभी नुकसान करती हैं मेरे एक दोस्त कहा करता था कि निसार भाई जब मैं बम्बई में था तो मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं थे बस स्टॉप पे खड़े रहे ट्रेनों में लटक कर जैसे पूरा बम्बई ट्रेन में कैसे लटक के जाता है वैसा मैं लटक कर ट्रेनों में जाता था एक एक घंटा बस का इंतज़ार और खाना पीना जो थोड़ा बहुत था वो रहता था और फिर ऑफिस में भी काम करना बड़ी सख्त लाइफ थी लेकिन सख्त लाइफ होने के बावजूद भी मेरी नमाजें नहीं छूटती थी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आप मस्जिद में जाओगे ना आपको गरीब तबका ज़्यादा मिलेगा मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास तो ये दोस्त कहता है कि मेरी नमाज ही नहीं छूटती थी फजर के वक्त में फजर पढ़ लेता था थोड़ा आराम करके फिर काम पे चला जाता था दोपहर को थका हुआ रहता था असर में थका हुआ मगरिब में थका हुआ लेकिन नमाज हम जमात के साथ पढ़ते थे फ्रेश हो जाते थे फिर पैसे आने शुरू हो गए दुबई आ गया बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई और दुबई में तो शायद आप जानते हैं हर कमरे में एयर कंडीशन होता है तो कहने लगा एयर कंडीशन आने के बाद फजर की नमाज छूटने लगती है जब ट्रेन में लटक कर जाते थे जब बस में धक्के खाते थे उस वक्त नमाजें नहीं छूटती थी बनी इसराइल की तरफ कि अल्लाह ने फिरौन की तरफ से तकलीफ दी तो ये जमे रहे लेकिन जैसे ही अल्लाह ने मनोसलवा दिया तो सब्र नहीं होता मालूम ये पड़ा कि लग्जरी के ऊपर भी सब्र करना जरूरी है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद है इसको ग्रेटफुलनेस कहते हैं ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें